मेरी कहाँ है कृपा, तो मेरी दोस्त डॉल्फिन दुबे की कजन है। इनके कहने का मतलब है आपके हाथ में जो पर्स था ना वो उछल के इनकी आंखों में लग गया है। हाय पापा जी। हाय सच्ची। सो सॉरी नंदू, मुझे माफ तो कर दोगे ना? अरे कर ही दोगे, क्यों नहीं माफ करोगे? तुम्हें तो पता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हारा नहीं है। अब जानबूझ के मारना होता तो मैं बैग क्यों मारती, बम का गोला फेंक के मारती ना, मतलब जो अमेरिका ने ईरान पे फेंक के मारा। मैंने माफ किया, माफ किया आपको, माफ किया। तुम जैसे दिखते हो ना वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो अच्छे हो। अब तुम अपना जबरदस्त घर नहीं दिखाओगे मुझे? बिल्कुल दिखाओगे, क्यों नहीं दिखाओगे? मेघना को आज तक किसी ने मना किया है? मम्मी जी, इसने तो मुझे देखा भी नहीं, ये मेरे लिए आई है कि भाई के लिए? खाने तू देखने लायक है भी नहीं। ओए पप्पू, इससे पहले कि तूफान किसी और दिशा में ले जाए तू उसे रोक ले पुत्र, रोक ले। देखिए आपने हमारे रूम तो देख लिए, अब ये ना हमारे घर का स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस की रेलिंग है, रेलिंग। और आइए और दिखाता हूँ, ये ना हमारा डाइनिंग टेबल है और वो हमारा स्विच बोर्ड है जिस पर ना पंखे का भी बटन है और लाइट का भी। नंदू मजाक ही आओ, जबरदस्त है तुम भी। अरे मुझे पता है ये डाइनिंग टेबल है, वो स्टेयर केस है, वो पंखा है, वो पंखे का स्विच है। कुछ नया दिखाओ, अपना कमरा दिखाओ, दिखाओ ना। दिखाओगे? दिखाओगे क्यों नहीं, दिखाओगे। चलो हाय, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। ये तुम्हारा बेडरूम है? नहीं, ये हम दोनों का बेडरूम है। जबरदस्त है बाय गॉड, काश ही मेरा रूम होता। तेरे घर तुझे पसंद है ना तो तू इसी कमरे में रुक जा। सच्ची मैं यहाँ रुक सकती हूँ? मम्मी जी फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मायके जाने का आइडिया ठीक रहेगा। मैं क्यों मायके जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ है? मेघना तू ना थक गई होगी पुत्र, चल चल के फ्रेश हो जा। पुत्र लगी तो नहीं? नहीं। अगर मुझे मेघना की वजह से बाहर रहना पड़ा ना तो तुम घर से बाहर रहोगी, और फिर अगर मच्छर तुम्हें काटेंगे ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, समझे? यार ये क्या मुसीबत है यार, हर बार गाज मेरे ही सर पर क्यों पड़ती है? ओए खोतिया, एक लड़की से तू वो भी नहीं बढ़ा पाया। अरे रुबा क्या कहते हैं उसे, हाँ इंट्रोडक्टरी। अरे मम्मी जो इंट्रोडक्टरी नहीं, इंट्रोडक्शन होता है। ये देख लो नलायक, मुझे सिखा रहा है और तू तो कुछ सीख ले के दिखाऊं तुझे अपना भयानक रूप।
देख तो रहा हूँ। क्या बोला तू? मैं कह रहा था मम्मी जी सब ना भाई की गलती है, भाई सामने नहीं आते ना तो वो लड़की मेरे साथ जाती, भाई ले गए। ये चमगादड़ जैसा मुंह लेके तू इतने सुंदर भोलू बेटे से कैसे कंपटीशन करेगा? सुंदर भोलू बेटा और नहीं तो क्या, ओए उसकी एक झलक में लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती हैं। डर के और शौक के मारे ऐसी कस के चपेड़ मारनी तेरे मुंह पे, फिर बड़ा शौक लग रहा है तुझे। ओए नलायका अपने संस्कारी बाबूजी से ही कुछ सीख लेता कि किन किन संस्कारों से लड़कियां पटाई जाती हैं। अच्छे जी। हाय 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 क्या लड़कियां पटाते थे तेरे संस्कारी बाबूजी, लड़कियां तो बेहोश होकर ही गिर जाती थी। इतने हैंडसम थे क्या? हाँ हैंडसम तो थे ही मेरे भोलू बेटे जैसे, पर लड़कियां ना उस कारण बेहोश नहीं होती थी। जैसे ही तेरे बाबूजी को लड़की पटा लेते थे ना, लो जी लड़की के सिर के इधर वाले हिस्से पे कस के जूती मारती थी मैं, बस वही के वही बेहोश हो जाती थी। जाने दे वो पुरानी बातें। पुत्र मैं तुझे बताती हूँ कि किन किन संस्कारी इशारों से लड़की पटाई जा सकती है। भाई पप्पू वो देख वहां मेघना बैठी है ना, मेरी तरफ देख, उसे ना वहां जाके ना ऐसे करके आंख मारना, चार शाबाश पुत्र। मुझे अगर उसने कुछ और मार दिया तो? हाय हाय मलाइका प्यार में दो चार बार हाथ पैर तोड़वाने पड़ते हैं तब जाके प्यार सफल होता है। चाशावश कस के मारना, कस के मारना। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चक्कर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला दिल खिला। मुझे तो सच में ऐसा लगा जैसे वो आंख मार रहा है। अच्छा पर तारा मुझे वो फ्लाइंग किस दे रहा था उसका? ओ, फ्लाइंग किस? ए बछरम कहीं की। नहीं 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 आंख में कचरा चला गया ना, तो ऐसे करके ऐसे करके फूंक जैसी मार रहा था। क्या होता है कि जब हवा सीधी जाती है ना फिर वापस मुड़ के आंख में आती है तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। अच्छा बार मैं भी करके देखूंगी। वो सब छोड़ सुन, हाय मेरी प्यार इधर बैठ। मेघना को बोल क्यों नहीं देती कि वो पप्पू के लिए यहाँ आई है, हैं प्लीज। ओए तारा मेरी यारा रब दी सौ में की दसा तेनू, मैंने ना अगर उसे ये बात बता दी ना तो वो ना बहुत भड़क जाएगी मेरे ऊपर, क्योंकि उसे ना अरेंज मैरिज से बड़ी वो है खुजली। नहीं हुए तारा, अरेंज मैरिज से खुजली कैसे हो सकती है, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। अच्छा हाँ इसलिए ना हमें उससे पहले पप्पू से प्यार तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना वो अपने सारे फैसले खुद ही लेती है। रब झूठ ना बुलवाए। मम्मी जी मम्मी जी। हाय बाबा जी फिर तो हो चुकी पप्पू की शादी, उसका फिटे मुंह जैसा मुंह देखकर कौन सी लड़की ने पटना है। उफ ये नदानिया नदानिया उफ ये नदानिया।